हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से एक नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है और ये जो अपडेट है वो बहुत अच्छा है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ CHSL लेवल एग्जामिनेशन 2018 यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल के लिए जो एग्ज़ाम हो रहा था 2018 में उसका फाइनल रिजल्ट का घोषणा हो गया है, डिक्लेयर हो गया है। तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम 2018 वॉज डिक्लेयर बाय द कमीशन ऑन 10/6/2021 यानी कि इतना तारीख को यह डिक्लेयर किया गया था। वेयर इन 18,875 कैंडिडेट्स वेयर क्वालिफाइड अंडर वेरियस पोस्ट टू अपियर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जिसमें से 18,875 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया है और इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यह है अपडेट। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा अपडेट है यह। इसमें आप लोग देख सकते हैं एज पर प्रीवियस ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन अलॉट टू पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट्स हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द रिक्वायर स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सब सारी चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एज पर द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट स्किल कंसिडर्ड फॉर डिफरेंट पोस्टेस। यहाँ पे पोस्ट का नाम देख सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे Tier 1 Tier 2 टाइपिंग टेस्ट है, Tier 1 Tier 2 टेस्ट और इसे सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए रहे हैं। इसके अलावा मैं आप यहाँ पे कैंडिडेट वाइज समरी ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ LDC JSA जो सारी चीज़ें पोस्ट है उस पर। तो देखिए यहाँ पर ST SC OBC ये सब सारी टोटल भी चीज़ें दिया गया है। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स पास किए वो सब सारे दिया हुआ है। कैंडिडेट्स रिकमेंडेड तो ST के लिए 264 265 है या ST के लिए इतना है, सब सारे टोटल स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा मैं आप यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये सब सारी यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर है PA और SA, इसमें भी वैकेंसी और कैंडिडेट्स के बारे में दिया गया है। ST SC OBC टोटल UR जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स पास किए ये यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग DEO पोस्ट जो है उसमें भी वैकेंसी और कैंडिडेट्स के बारे में दिया गया है जो टोटल है वो कितने कितने पास किए हैं वो सब सारा। इसके बाद में है यहाँ पर DEO पोस्ट के लिए भी है जो है स्टूडेंट्स कौन कौन पास किए हैं कितना वो दिया गया है। यहाँ पर जो है Tier 1 Tier 2 के लिए जो दिया था वो बताया गया है। इक्वल एग्रीगेट करके विल बी रिसोल्व्ड बाय अप्लाइंग फॉर फॉलोइंग मेथड्स ऑन आफ्टर एनदर गिवन ऑर्डर एज एप्लीकेबल टिल द टाई इज रिसोल्व्ड। टोटल मार्क ऑफ Tier 2 एग्जाम डेट ऑफ बर्थ अल्फाबेट के ऑर्डर से फिर उसको दिया जाएगा इस प्रकार का यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें दी गई है। इसमें से हम लोग पोस्ट फिर कैटेगरी कोड वैकेंसी कितना था एलेक्टेड कितना हुआ उसमें टोटल कितने पास किए हैं साथ ही साथ में Tier 2 फिर उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस प्रकार का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इतना ज़्यादा दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर सब सारे जो है बोर्ड की ओर से नया नोटिस नया अपडेट में यह दिया गया है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कैंडिडेट सेलेक्टेड एक ओरिजेंटल वैकेंसी हैव बीन काउंटेड इन द वर्टिकल कैटेगरी एज वेल एज रो कॉरस्पॉन्डिंग पोस्ट ऑफ कैटेगरी विद NIL रिपोर्टेड वैकेंसी हैव नॉट बीन इंक्लूडेड दिस टेबल। तो ये यहाँ पे है डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट कोड्स फॉर विच एलोकेशन हैज मेड एज अर अंडर, ये भी दिया हुआ। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट का कोड दिया गया है इसमें, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं जो कोड है वो है यहाँ पर। फिर ये सब भी आप लोग देख ही रहे हैं। अब यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ सब्जेक्ट ऑफ आउटकम OA नंबर इतना और सब जो दिया गया ड्यू टू सस्पेक्टेड माल प्रैक्टिस रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग 218 कैंडिडेट्स हैव बीन केप्ट विथ हेल्ड। तो इसमें से जो है 218 कैंडिडेट्स उसको यहाँ पे रखा गया है सस्पेक्टेड में। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर है जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं, रोल नंबर इस प्रकार का दिया गया है। और देखिए इतने ज़्यादा दिए गए हैं, 218 स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है तो इतना है। अब यहाँ पे दिया है एनी डिस्क्रिपेंसी विद रिस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन नॉट सिलेक्शन एलोकेशन और
पोस्ट अंडर डिपार्टमेंट ईटीसी में ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कमीशन विद अ पीरियड ऑफ 1 month एंड सच रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 1 month विल नॉट इंटरटेंड बाय द कमीशन। ये 1 महीने के अंदर तक के हिसाब से बोला गया है। इफ़ ए कैंडिडेट इज फाइनली सेलेक्टेड एज डज नॉट रिसीव एनी कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द कमीशन और कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ही सी मस्ट ब्रिंग दिस टू द नोटिस टू द यूजर डिपार्टमेंट इमिडिएटली देयर आफ्टर। तो यहाँ पर जो कर जिस कैंडिडेट्स को फाइनल सेलेक्ट किया गया है और वह अगर किसी प्रकार का कॉरेस्पॉन्डेंस रिस्पॉन्स में कुछ नहीं मिल पाता है तो वो यहाँ पर 1 साल के बाद में डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पर वो कमीशन में कुछ इस प्रकार का नोटिस को ला सकता है, यह यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर दिखाया गया डिटेल ऑफ मार्क ऑफ सिलेक्टेड एंड नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। इतना देखिए 8/10/2021 को उसका जो मार्क है सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड उसका मार्क को अपलोड कर दिया जाएगा। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 8/10 यानी कि 8 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा और 31 अक्टूबर तक में यह दिखेगा। कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर पासवर्ड एंड क्लिक ऑफ रिजल्ट मार्क्स टैब ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। यहाँ पर कैंडिडेट डैशबोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर पासवर्ड करके रिजल्ट और मार्क्स देख सकते हैं। यहाँ पर अपना इंडिविजुअली मार्क को भी वो स्टूडेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अंडर सेक्रेटरी दिया गया है और यह 30 सितंबर का डेट दिया गया है। तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट है, नोटिस है। तो जो भी स्टूडेंट्स पास किए हैं यहाँ जो एग्ज़ाम हुआ था CHSL 2018 वाला उसी का जो है फाइनल रिजल्ट को यहाँ पर दे दिया गया है बोर्ड की ओर से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।